नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। आज हमारे पास अदब के ऐसे तीन हस्ताक्षर मौजूद हैं जो आप यकीन मानिए कि जिस वक्त उनके इल्म का जादू और कलम का हुनर सर चढ़कर बोलेगा, आप खुद ब खुद कह उठेंगे वाह जी वाह। क्या बात, क्या बात। चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं और आज महफिल के पहले कवि को दावत सुखन देते हैं, उनको आवाज देते हैं कविता पाठ के लिए। हमारे बीच जो तीन चराग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें सबसे पहला जो चराग है, मैं आवाज देने जा रहा हूँ एक ऐसे शायर को जो बहुत सादगी के साथ अपनी बात कहते हैं। नवी मुंबई और मुंबई का ऐसा कोई बड़ा मंच नहीं बचा है जहाँ पर इन्होंने अपने कलाम के जलवे नहीं बिखेरे हों। मेरी मुराद है कल्याण से पधारे हुए एक वरिष्ठ कवि और मेरे मित्र मोहतरम जनाब मनोज पुरी साहब। मनोज साहब, आपका स्वागत है, आइए। वाह जी वाह के सभी दर्शकों को मनोज जी का नमस्कार, स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूँ और अपना एक छोटा सा कलाम आपके सामने रखना। जी हाजिर जी, इनायत हो, इनायत। कुछ लोग हैं जो रोज ही भगवान बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो रोज ही भगवान बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो मौत के सामान बनाते हैं। क्या कहने, क्या कहने, भाई वाह, क्या बात। कुछ लोग हैं जो रोज ही भगवान बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो मौत के सामान बनाते हैं। वो कलम को औजार की मानिंद चलाने वाले, क्या कहने, क्या कहने, हम आदमी तराशते इंसान बनाते हैं। दोस्तों, कहना चाहता हूँ उजाला इल्म का अगर घट जाएगा, क्या कहने, क्या कहने, उजाला इल्म का अगर घट जाएगा, आदमी अनगिनत खेमों में बट जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, तकसीम हो जाएगा, क्या कहने। उजाला इल्म का अगर घट जाएगा, आदमी अनगिनत खेमों में बट जाएगा। कलम के सिपाहियों कहीं सो न जाना, कलम के सिपाहियों कहीं सो न जाना, काफिला इंसानियत का लुट जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। कलाम आपके सामने रखता हूँ। यूं तो होता है ये दूत शांति का, उगता है इसी से सूर्य क्रांति का। क्या बात। यूं तो होता है ये दूत शांति का, उगता है इसी से सूर्य क्रांति का। जेठ की तपन ओ बसंती बहार, दोस्त तो वही है कलम का, दोस्त तो वही है कलम का। क्या बात है। यूं तो होता है ये धूत शांति का, उगता है इसी से सूर्य क्रांति का। वाह। जेठ की तपन ओ बसंती बहार, दोस्त तो वही है कलम का। दोस्त तो वही है कलम का। वाह जी वाह, क्या बात है। बंदूक और बम से कोसों दूर है, दूर है जी। फिर भी अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण है। बंदूक और बम से कोसों दूर है, फिर भी अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण है। लेखनी की धार से करे प्रहार, दोस्त तो वही है कलम का। क्या बात, वाह वाह वाह। दोस्त तो वही है कलम का। क्या बात है। दोस्तों के साथ मैं हो जो खड़े, इंसानियत के हक के वास्ते लड़े। क्या बात है। दोस्तों के साथ मैं हो जो खड़े, क्या बात है, वाह। इंसानियत के हक के वास्ते लड़े। सिंहासनों के साथ भी करे तकरार,
दोस्त तो वही है कलम का, बहुत अच्छे, बेशक बेशक, क्या बात, दोस्त तो वही है कलम का, बहुत अच्छे। अंतिम बंद है जी, स्वागत। ये द्वंद की अंतर में गूंजे रागिनी, कलम की नोक से बहे मंदाकिनी, बहुत खूब, बहुत खूब। द्वंद की अंतर में गूंजे रागिनी, कलम की नोक से बहे मंदाकिनी, अच्छी पंक्ति दी है साहब, वाह वाह वाह। कल की जो मनुष्यता को दे आका, दोस्त तो वही है कलम का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोस्त तो वही है कलम का, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं तो होता है ये दूत शांति का, और उगता है इसी से सूर्य क्रांति का, वाह क्या बात कही है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बनती है मनोज जी के लिए। जैसा मैंने कहा, मनोज जी अपने मुख्तलिफ अंदाज में और एक बड़ी गहरी सोच के अंदाज में आपको लुत्फानंदोज कर रहे थे, आपको सरावोर कर रहे थे काव्य की उस धारा से जिसके लिए आप हकदार हैं, आपका हक बनता है। दोस्तों, वाजिवा की महफिल में शेर व शायरी और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए टीवी और इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यार है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम, तो फिर देर किस बात की। आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के उस अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हमारी महफिल में तीन ऐसे चिराग हैं, आप यकीन मानिए कि जिनके इल्म का एक कतरा भी अगर मिल जाए तो इस बर्रे सगीर के तमाम अंधेरे को दूर कर सकता है। क्या बात, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे दूसरे जो कवि हैं, दूसरे शायर हैं, मुंबई से बेंगलोर तक, बेंगलोर से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक और दिल्ली से वापस लौटकर मुंबई तक, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां अफसर भाई ने अपने कलाम से महफिल को फरोग न दिया हो। वो जिस वक्त अपने तबीयत से, अपनी खसूसियत तबीयत से अपनी कलम का जादू बिखेरते हैं, आप ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कह उठेगा वाह जी वाह। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं इस महफिल के एक हस्ताक्षर को, जो बड़े अदब एहतराम के साथ में उनको दावत सुखन देना चाहता हूं। मोहतरम जनाब अफसर दकनी साहब, अफसर भाई आइए, आपका स्वागत है। गजल का मतला यूं है, मैं ज्यादातर गजलें कहता हूं। जी जी जी, टूटते रिश्तों के मौसम में फूट के रोना बाकी, क्या कह रहा है, क्या बात है, क्या बात है, जी वहाँ पहला ही मिसरा क्या कहने, फिर से दोहराइए मुकर्रर होगा। टूटते रिश्तों के मौसम में फूट के रोना बाकी बाकी है, वाह। तोड़ दे दिल अपने हाथों से यही खिलौना, क्या बात है, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। तोड़ दे दिल अपने हाथों से यही खिलौना बाकी है, टूटते रिश्तों के मौसम में फूट के रोना बाकी है, तोड़ दे दिल अपने हाथों से यही खिलौना बाकी, क्या बात है, वाह 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 सर भाई, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अपनी फूटी किस्मत, शेर सुनिएगा, अपनी फूटी किस्मत लेकर किस नगरी में आया हूँ, किस्मत लेकर किस नगरी में आया हूँ,
सारी बस्ती सुनी सुनी पागल होना अपनी अपनी फूटी किस्मत लेकर किस नगरी में आया हूँ, सारी बस्ती सुनी सुनी पागल होना बाकी है। सारी बस्ती सुनी सुनी पागल होना, पागल का जवाब नहीं है। क्या काफिया सर्फ किया ऐसा, वाह 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 वाह, जरा नवाज़ बहुत अच्छे। तुमने सचमुच प्यार किया था या फिर प्यार का ढोंग रचा? तुमने सचमुच प्यार किया था या फिर प्यार का ढोंग रचा? हमने तो सपने भी खोए, अब क्या खोना बाकी? अब क्या खोना बाकी? बहुत अच्छे। तुमने सचमुच प्यार किया था या फिर प्यार का ढोंग रचा? हमने तो सपने भी खोए, अब क्या खोना बाकी है? तन्हाई का जहर पिया है, शेर सुनिएगा, तन्हाई का जहर पिया है बरसों रह के अंधेरों में। तन्हाई का जहर पिया है बरसों रह के अंधेरों में, पत्थर बनकर देख रहे हैं, पत्थर बनकर देख रहे हैं ख्वाब से लोना बाकी है। पत्थर बनकर देख रहे हैं, ख्वाब से लोना बाकी है। तन्हाई का जहर पिया है बरसों रह के अंधेरों में, पत्थर बनकर देख रहे हैं, ख्वाब सलोना बाकी है। जंगल जंगल बस्ती बस्ती, हम तो उसको ढूंढ थके। बस्ती बस्ती जंगल जंगल, हम तो उसको ढूंढ थके। अब दिल के इस वीराने में किसको समोना बाकी है? दिल के इस वीराने में किसको समोना बाकी है? मक्ते का शेर। अरे भाई क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं अफसर साहब, नवाजी शुक्रिया जी जी। दर्द की लहरें ऐसी आई, होश और खिरत सब डूब गए। दर्द की लहरें ऐसी आई, होश और खिरत सब डूब गए। खिरत का मतलब ये है अकल। दर्द की लहरें ऐसी आई, होश और किरत सब डूब गए। खत्म हुए सब किस्से अफसर, खुद को डुबोना बाकी। क्या बात है जी जी। दर्द की लहरें ऐसी आई, होश और किरत सब डूब गए। खत्म हुए सब किस्से अफसर, खुद को डुबोना बाकी है। टूटते रिश्तों के मौसम में फूट के रोना बाकी है। तोड़ दे दिल अपने हाथों से, यही खिलौना बाकी है। अरे भाई अफसर साहब, मुरस्सा और मुसज्जा गजल, क्या कहने का बात है सरकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक गजल और जी जी, इनायत जी जी जी। शब की तन्हाई में मेरा गीत जब गाओगे तुम, शब की तन्हाई में, शब की तन्हाई में मेरा गीत जब गाओगे तुम, याद मैं आता रहूंगा और पछताओगे तुम। याद मैं आता रहूंगा और पछताओगे तुम। शब की तन्हाई में मेरा गीत जब गाओगे तुम, याद मैं आता रहूंगा और पछताओगे तुम। कि मेरा दिल अब, शेर सुनिएगा, मेरा दिल अब दिल नहीं है, कांच का टुकड़ा है ये। मेरा दिल अब दिल नहीं है, कांच का टुकड़ा है ये। खुद ही सोचो अपने दिल को कैसे बहलाओगे तुम। मेरा दिल अब दिल नहीं है, कांच का टुकड़ा है ये। खुद ही सोचो अपने दिल को कैसे बहलाओगे तुम। नफरतों को खत्म करना सबका यारो फर्ज है, बिल्कुल। नफरतों को खत्म करना सबका यारो फर्ज है। इस जहां में, इस जहां से क्या भला साथ ले जाओगे तुम। नफरतों को खत्म करना, नफरतों को खत्म करना सबका यारो फर्ज है। इस जहां से क्या भला अब साथ ले जाओगे तुम। शेर सुनिएगा, अब कभी जुगनू न चमकेंगे अंधेरी रात में। अब कभी जुगनू न चमकेंगे अंधेरी रात में।
कल की तरह आंसुओं को अपना बरसाओगे तुम। अब कभी जुगनू न चमकेंगे अंधेरी रात में, कल की तरह आंसुओं को अपना बरसाओगे तुम। दर बदर एक दिन भटकना ही पड़ेगा देखना, दर बदर एक दिन भटकना ही पड़ेगा देखना, हम सा कोई चाहने वाला कहाँ पाओगे तुम। दर बदर एक दिन भटकना ही पड़ेगा देखना, हम सा दर बदर एक दिन भटकना ही पड़ेगा देखना, हम सा कोई चाहने वाला कहाँ पाओगे तुम। दिल पे पत्थर रख लिया था, दिल पे पत्थर रख लिया था मैंने मरते दम तलक, सुनिएगा, दिल पे पत्थर रख लिया था मैंने मरते दम तलक, फूट कर रो रो के आखिर, फूट कर रो रो के आखिर किसको बतलाओगे तुम। फूट कर रो रो के आखिर किसको बतलाओगे तुम। मक्ते का शेर है, गम का दरिया सर से ऊंचा हो गया अफसर मियां, गम का दरिया सर से ऊंचा हो गया अफसर मियां, तैरना सीखो वगरना डूब ही जाओगे तुम। तैरना सीखो वगरना डूब ही जाओगे तुम, शब की तनहाई में मेरा गीत जब गाओगे तुम, याद मैं आता रहूंगा और पछताओगे तुम। एक बार तो हमें भी तुम आजमा के देखो, घर हो सके तो हमको अपना बना के देखो, दिल से मैं चाहता हूँ दिल से ही पूछता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ दिल से ही पूछता हूँ, घर इम्तिहान है लेना तो दिल में आके देखो, घर इम्तिहान है लेना तो दिल में आके देखो, रुख से ये काले बादल सरके तो चांद निकले, रुख से ये काले बादल सरके तो चांद निकले, ये काली काली जुल्फें रुख से हटा के देखो, ये काली काली जुल्फें रुख से हटा के देखो, बिजली गिरी नजर की वीरान हो गया है, बिजली गिरी नजर की वीरान हो गया है, गुलशन में दिल के मेरे एक बार आके देखो, गुलशन में दिल के मेरे एक बार आके देखो, बिजली गिरी नजर की वीरान हो गया है, गुलशन में दिल के मेरे एक बार आके देखो, बादल गरज रहे हैं बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं बिजली चमक रही है, कितना हसी है मंजर पहलू में आके देखो, बादल गरज रहे हैं बिजली चमक रही है, कितना हसी है मंजर पहलू में आके देखो। शुक्रिया। हमने सुना है अफसर, हमने सुना है अफसर भौरे ये कह रहे थे, हर फूल मुस्कुराए कुछ गुनगुना के देखो, एक बार तो हमें भी तुम आजमा के देखो, घर हो सके तो हमको अपना बना के देखो। शब की तन्हाई में मेरा गीत जब गाओगे तुम, याद में आता रहूंगा और पछताओगे तुम। क्या बात है सर, ये अंदाज था अफसर साहब का कि आपने हमारी महफिल को फरोग बख्शा, यहाँ आकर आपने हमारी शान बढ़ाई। मैं चाहता हूँ कि अफसर भाई के सम्मान में, उनके आदर में, उनके खैर मकदम में जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। दोस्तों, वाजिबा की महफिल में शेर व शायरी और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए टीवी और इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार, वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। काम बहुत किया है हमने। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम
तो टीवी और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच, वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के उस अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। अभी आप लुत्फंदोज हो रहे थे अफसर दखनी साहब से, जो अपने कलाम से आपको नवाज रहे थे। अब मैं एक ऐसे मेहमान शायर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, ऐसी अजीम शख्सियत के हुजूर आपको लेकर चलता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कह उठेगा वाह जी वाह। क्या बात। और वो हमारे मेहमान शायर हैं, कानपुर से तशरीफ लाए वेद प्रकाश शुक्ल संजय साहब। ऐसी कोई महफिल नॉर्थ में नहीं सजती है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, फैजाबाद हो, आजमगढ़ हो, कोई भी हो, जिसमें संजय साहब की शिरकत नहीं होती है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, एजाज की बात है कि आज हमारी महफिल में संजय साहब आए हैं। मैं आनंद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के इस महफिल के तीसरे और वक्ते के शायर मोहतरम जनाब अली मर्तवत वेद प्रकाश शुक्ल संजय साहब को आवाज़ देता हूँ। आपका खैर मकदम है, दावत सुखन देता हूँ संजय साहब को। संजय साहब आप आइए, आपका स्वागत है। उन सबको मैं अपना अदब पेश करता हूँ और चंद मुतफरिकात से शुरू करता हूँ। वाहिद साहब जी, इनायत अफसर साहब और हमारे नाज़रीन जितने हैं, मैं दो मिसरे समाप्त कीजिए जी। बताओ। कदम ठिठके ही थे, कदम ठिठके ही थे, दिल में ख्याल एहतराम आया। कदम ठिठके ही थे, दिल में ख्याल एहतराम आया, ख्याल एहतराम आया, जहाँ से सर के बल चलना है शायद वो मकाम आया। क्या समात है आपकी, जरा नवाजी आपकी। कदम ठिठके ही थे, दिल में ख्याल एहतराम आया, जहाँ से सर के बल चलना है शायद वो मकाम आया। तो मिसरे और समाप्त कर ले कि जफा की उस तरफ हद थी, वफा की इस तरफ हद थी। जफा की उस तरफ हद थी, वफा की इस तरफ हद थी, बराबर उठ गई बाजी न वो जीते न हमारे। समाप्त जर्रा नवाजी। और ये एक शेर भी पेश करता हूँ कि बहुत से लोग, हम लोग अल्फाज के जादूगर कहे जाते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ चमत्कार, कुछ जादू पैदा कर पाते हैं, उसकी दाद आप हजरात हमको देते हैं जी, जी, जी। लेकिन ये देखिए, मैं कहता हूँ बहुत सी बातें लफ्जों का सहारा लिए बगैर होती हैं। ये बात याद रहे लफ्ज के परस्तारों, ये बात याद रहे लफ्ज के परस्तारो, ये बात याद रहे लफ्ज के परस्तारो के एक तर्ज बयां खामोशी भी होती है। क्या कहने, क्या बात है साहब, क्या कहने, के एक बात, के एक तर्ज बयां, ये बात याद रहे लफ्ज के परस्तारो, लफ्ज के परस्तारो के एक तर्ज बयां खामोशी भी होती है। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ कि आए हो तो कुछ देर हंसो बोलो तो, आए हो तो कुछ देर हंसो बोलो तो, तस्कीन मिले दिल को जमा खोलो तो, आए हो तो कुछ देर हंसो बोलो तो, तस्कीन मिले दिल को जमा खोलो तो, अपनी ही कहो और न मेरी ही सुनो, तस्वीर बने बैठे हो कुछ बोलो तो, कुछ देर हंसो बोलो तो, तस्कीन मिले दिल को जमा खोलो तो, अपनी ही कहो और न मेरी ही सुनो, तस्वीर बने बैठे हो कुछ बोलो, कुछ बोलो तो। और एक गजल जी, जी पहले पढ़ दूं जी। मैं चंद शेर एक गजल के तहत में पढ़ देता हूँ जी, जी। और चंद शेर एक गजल के भाई की बात है और लोग तरन्नुम से सुनते भी हैं, तो चंद शेर आपके तमाम आशिक सुनना चाहते हैं। मैं हाजिर करता हूँ पहले एक गजल जी, जी। और ईश्वर को भी मैं याद कर लूं इस गजल के बहाने से, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब हाजिर करता हूं अफसर भाई, स्वागत है। वाहिद साहब जी स्वागत है। कि ये आसमां, ये समंदर, ये सीपियां उसकी, ये आसमां, ये समंदर, ये सीपियां उसकी,
ये आसमां, ये समंदर, ये सीपियां उसकी, जहां में बिखरी हुई हैं निशानियां उसकी, जहां में बिखरी हुई हैं निशानियां उसकी, मतलब सानी पेश करता हूं कि कही गई हैं अधूरी कहानियां उसकी, कही गई हैं अधूरी कहानियां उसकी, कोई गिना न सका सारी खूबियां उसकी, कोई गिना न सका, कही गई हैं अधूरी कहानियां उसकी, कोई गिना न सका सारी खूबियां उसकी। अब यहां से शेर समाप्त कीजिएगा कि ये और बात है फिक्रे वजूद तीनों को, ये और बात है फिक्रे वजूद तीनों को, चराग उसके, हवा उसकी, आंधियां उसकी। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या मजा है नजर का। वाह 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 वाह, चराग फिर से बढ़िया। ये और बात है फिक्रे वजूद तीनों को, ये और बात है फिक्रे वजूद तीनों को, चराग उसके, हवा उसकी, आंधियां उसकी। और ये शेर भी समाप्त करें हजरत के, फजूल फिक्रे नशे मन में क्यों परेशान हूं, फजूल फिक्रे नशे मन में क्यों परेशान हूं, क्यों परेशान हूं, बहार उसकी, चमन उसका, बिजलियां उसकी। ये और बात है फिक्रे वजूद तीनों को, चराग उसके, हवा उसकी, आंधियां उसकी, फजूल फिक्रे नशे मन में क्यों परेशान हूँ, बहार उसकी, चमन उसका, बिजलियां उसकी। है अपने हाथ में शेर हाजिर करता हूँ, बहुत बढ़िया, और उसी को याद कर रहा हूँ कि है अपने हाथ में पतवार और कुछ भी नहीं, है अपने हाथ में पतवार और कुछ भी नहीं, नदी है उसकी, भंवर उसके, कश्तियां उसकी। है अपने हाथ में पतवार और कुछ भी नहीं, है अपने हाथ में पतवार और कुछ भी नहीं, नदी है उसकी, भंवर उसके, कश्तियां उसकी। शेर हाजिर करता हूँ खास तौर पर, समाप्त कीजिएगा। अपने हाथ में पतवार और कुछ भी नहीं, नदी है उसकी, भंवर उसके, कश्तियां उसकी। अब और क्या तुझे दरकार है जबीने शौक, अब और क्या तुझे दरकार है जबीने शौक, अब और क्या तुझे दरकार है जबीने शौक, दयार उसका, कदम उसके, सीढ़ियां उसकी। अब और क्या तुझे दरकार है जबीने शौक, दयार उसका, कदम उसके, सीढ़ियां उसकी। इनायत शेर समाप्त कीजिएगा, गजल के भी एक आध शेर इसी में समाप्त कर लें कि न जाने कौन सी खुशबू का रंग है इन पर, काफी और मैं रंग बमानी असर बदल रहा हूँ, कि न जाने कौन सी खुशबू का रंग है इन पर, तलाश करती हैं अब तक जो तितलियां उसकी। न जाने कौन सी खुशबू का रंग है इन पर, तलाश करती हैं अब तक जो तितलियां इसकी। और ये शेर भी समाप्त कीजिए कि ना आया ध्यान, ये मकाम आता है जिंदगी में कि जब हमको कोई आजाद करे तो हम आजादी भी नहीं चाहते। शेर समाप्त कीजिएगा कि ना आया ध्यान कफस से मुझे रिहाई का, ना आया ध्यान कफस से मुझे रिहाई का, कुछ ऐसे वक्त पे टूटी हैं तीलियां उसकी। उसने समाप्त है जरा नमाजी है, ना आया ध्यान कफस से मुझे रिहाई का, ना आया ध्यान कफस से मुझे रिहाई का, कुछ ऐसे वक्त पर टूटी है तीलियां उसकी। हुजूर आप गरेबा की बात करते हैं, शेर समाप्त कीजिएगा साहब। हुजूर आप गरेबा की बात करते हैं, मेरे जुनून ने उड़ा दी है धज्जियां उसकी। हुजूर आप गरेबा की बात करते हैं, मेरे जुनू ने उड़ा दी हैं धज्जियां उसकी। क्या कहे, और कोई समझ न सका इनकी मसलहत संजर, कोई समझ न सका इनकी मसलहत संजर, नसीम उसकी, सबा उसकी, आंधियां उसकी, नसीम उसकी, सबा उसकी, आंधियां उसकी। ये और बात फिक्रे वजूद तीनों को, चराग उसके, हवा उसकी, आंधियां उसकी। फिक्रे नशे मन में क्यों परेशान हूं,
फजूल फिक्र नशे मन में क्यों परेशान हूँ, बहार उसकी चमन उसका बिजलियाँ उसकी तितलियाँ तितलियाँ जी, न जाने कौन सी खुशबू का रंग है इन पर, न जाने कौन सी खुशबू का रंग है इन पर, तलाश करती हैं अब तक जो तितलियां उसकी, कही गई हैं अधूरी कहानियां उसकी, कोई गिरा न सका सारी खूबियां। सुनने की तरह आपने सुना है और अब सुन्नत अदा कर दूंगी तरन्नुम की भी, तो एक मतलब और चंद शेर इजाजत है। क्या बात है, क्या तरन्नुम है। मतलब हाजिर करता हूँ, स्वागत है। दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया मुझे क्या देगी, दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया मुझे क्या देगी, मुट्ठी जो मुट्ठी जो खुली मेरी नजरों से गिरा देगी, दुनिया से मैं क्या मांगू, क्या बात है, दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया मुझे क्या देगी, मुट्ठी जो खुली मेरी नजरों से गिरा देगी, दुनिया से मैं क्या मांगूं। और मतलब सारी इसलिए पेश करता हूँ, समाप्त है जरा नवाजी आप हजरात की सुनने की तरह सुन रहे हैं, तो मैं पेश करता हूँ मतलासानी और ये बता रहा हूँ कि क्या देगी। बतलाए तुम्हें दुनिया देगी भी तो क्या देगी, बतलाए तुम्हें दुनिया देगी भी तो क्या देगी, उजला है उजला है अगर दामन एक दाग लगा, उजला है अगर दामन एक दाग लगा देगी, दुनिया से मैं क्या मांगू। बहुत अच्छे शेर हाजिर करता हूँ। आज दुनिया ये चाहे मोबाइल की वजह से हो, चाहे वो टीवी की वजह से हो, एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं, बातें नहीं होती हैं, कान में सब कुछ लगा हुआ है और सब कट गए। शेर हाजिर करता हूँ जी। बिल्कुल लक्ष्मण भैया जी, स्वागत साहब, अफसर साहब, मनोज जी और हमारे हजरात जितने भी नाजरीन हैं, सब मैं पेश करता हूँ कि कुछ हमसे कुछ हमसे हंसो बोलो, कुछ बात करो वरना, कुछ हमसे हंसो बोलो, कुछ बात करो वरना, हर वक्त की खामोशी बीमार बना देगी, हर वक्त की खामोशी बीमार
बना देगी दुनिया से मैं क्या मांगू कुछ हमसे वाई भाई जाता हूँ हंसो बोलो कुछ बात करो वरना हर वक्त की खामोशी बीमार बना देगी दुनिया से मैं क्या मांगूं। और ये शेर भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको मशवरा जी जी देता हूँ कि जल्दी ना जल्दी ना बहुत करना तुम दोस्त बनाने में क्या बात है जल्दी ना बहुत करना तुम दोस्त बनाने में ये भूल तुम्हें वरना ताउम्र सजा ये भूल तुम्हें वरना ताउम्र सजा देगी दुनिया से मैं क्या बहुत अच्छे दुनिया से मैं क्या मांगू अरे क्या बात हाँ क्या बात दुनिया मुझे क्या देगी दुनिया मुझे क्या देगी मुट्ठी जो खुली मेरी नजरों से गिरा देगी मोहब्बत आप दोनों दुनिया से क्या मैं क्या मांगू दुनिया मुझे क्या देगी दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि जिस मुतरन्नम शायर को मैं आपके हुजूर पेश करने वाला हूँ ये उनकी तरन्नुम का जादू है कि मुझ जैसा बेसुरा व्यक्ति जिसने कभी कोई गीत नहीं गाया कभी कोई गाना नहीं गाया कभी कोई शेर नहीं गुनगुनाया आज मैं भी अपने आप को रोक ना सका और मैंने भी गुस्ताखी की कि मैंने आपके शेर को अपनी आवाज देने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे अजीम शख्सियत हमारे बीच आए हैं हम अपने पूरे चैनल की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं आपका इस्तकबाल करते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और मैं चाहता हूं कि संजय साहब की हौसला अफजाई में जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए हमारी ये कोशिश रही है कि हम इन तीनों जैसे अजीम शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मधु करें प्रोग्राम में बुलाएं उसके साथ साथ हम ऐसे नवोदित शायर और कवियों को भी इस प्रोग्राम में आवाज़ देना चाहते हैं मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर आपके कलाम में है दम तो हमारा आपसे वादा है कि आपको टीवी इंडिया पर दिखाएंगे हम क्या वादा है अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं फिर देर किस बात की है उठाइए कलम और आज ही नीचे लिखे नंबर पर अपना पंजीकरण कराइए बहुत अच्छे क्या बात है आज की महफिल में बस इतना ही अगली बार नए कवियों नए शायरों और एक नए कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझ नाचीज को दीजिए इजाजत लेकिन देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव बहुत शुक्रिया लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।